नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर आई हूँ जो कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, आरआरबी के द्वारा एक नोटिस अपडेट की गई है और वो ये है एनसीवीटी मार्क्स अपलोड नोटिस। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, आरआरबी के द्वारा एनसीवीटी मार्क्स अपलोड नोटिस रिलीज़ की गई है और उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए आप डायरेक्टली हमारे अटैचमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हो। जब आप इस अटैचमेंट सेक्शन में आओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एनसीवीटी मार्क्स फीड नोटिस पीडीएफ यहाँ पे अटैच्ड है। आपको अगर इसे डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसे यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो। जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो ये जो पूरी नोटिस रिलीज़ की गई है वो CCAS के लिए यहाँ पे नोट रिलीज़ की गई है। और यहाँ पे नोटिस में ये बोला गया है, विद रेफरेंस टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस डेटेड 22 अप्रैल 2022, यानी कि 22 अप्रैल 2022 के रेफरेंस में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस ये रिलीज़ करती है कि जिन लोगों ने भी CCAS यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटाइस में यहाँ पे अपियर किया था, उनके लिए अपने एनसीवीटी मार्क्स अपलोड करने इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस मार्क्स का वेटेज रखा गया है। और साथ ही ये जो एग्ज़ाम है वो CBT एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। एनसीवीटी मार्क्स अपलोड करने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है वो CBT एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो गाइस, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है कि CCAS ट्रेंड इन रेलवे कैंडिडेट, उनको ये मार्क्स यानी कि NCVT मार्क्स अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर वो ये मार्क्स अपलोड करना भूल जाते हैं तो उनके मार्क्स को वेटेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके लिए यहाँ पे ये मार्क्स अपलोड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये सारे डिटेल्स कम्प्लीटली करेक्टली फुलफ़िल करनी है। अगर कोई भी मिस्टेक करते हो या फिर अगर आप ये मिस करते हो NCVT मार्क्स या फिर कुछ भी अपलोड करना, तो आपके आपका जो वेटेज है वहाँ पे वो कम हो जाएगा। तो आप ऐसे सर्कमस्टांसिस को अवॉइड करें। यहाँ पे मेंशनड है कि ये जो NCVT मार्क्स को जो फीड करने के लिए यहाँ पे जो वेबसाइट पे जो लिंक आएगी वो 31 जुलाई 2022 को वहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। तो आप 31 जुलाई 2022 को शाम 6 बजे से आप डायरेक्टली लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा और वहाँ से आप अपने NCVT मार्क्स फीड कर सकते हो और अपने सारे इंपॉर्टेंट जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो भी आप वहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हो। गाइस, यहाँ पे मेंशनड है कि कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें सो दैट वो अपडेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ बने रहेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में मेंशन है कि आरआरबी की जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के बेसिस पे की जाएगी। आपके लिए यहाँ पे कोई भी दूसरा तरीका नहीं है सिलेक्शन करने का, ये जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली मेरिट बेसिस पे की जाएगी। कोई भी फेक प्रोमिसज आरआरबी आपके लिए नहीं करता है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी फेक प्रोमिसज करने वाले लोग मिलते हैं तो आप उनसे बच के रहें। इसी के साथ आपको मैं बता दूँ, 31 जुलाई 2022 को NCVT मार्क्स फुलफ़िल करने की जो लिंक है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक्स को देख सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डिस्कस बटन पर टैप करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पर आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स भी इनमें रिप्लाई कर सकते हैं एंड वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो ये लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड गाइज, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।